हमारे किसानों की भविष्य की उम्मीद हेलो श्री जैन चौधरी साहब भाई सचिन पायलट साहब धर्मेंद्र यादव जी और अरे यार ये तो चौधरी साहब की पौधशाला के बहुत सारे लोग ये न्यूसेंस है इनको कहो बोल लें भाई ये इनका जयंत जी की वाइफ का क्या नाम है हाँ हो गया ठीक माननीय जयंत जी धर्मेंद्र यादव जी सचिन पायलट जी चारू चौधरी साहिबा और चौधरी साहब की पौधशाला के तमाम जो उनके बनाए हुए लोग हैं स्टेज पे उन सब का मैं अभिनंदन करता हूं। मैं एक हफ्ते से बीमार था लेकिन मैंने हिम्मत करके तय किया कि भरतपुर जरूर जाना चूंकि चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पे जाना ऐसा है जैसा गंगा स्नान करने जाना। सभी आगे से बैठ जाए मैं पीछे वालों को नहीं दिखाई दे रहा है सभी बैठ जाए भाई। जिंदगी में जो भी रहा वो चौधरी चरण सिंह जी की वजह से रहा और मुझे इस बात का फक्र है कि उनके चरणों में बैठ के आगे वाले सभी बैठ जाए राजनीति करने का अवसर शायद मुझे सबसे ज्यादा मिला जितने लोग यहाँ हैं। वो मामूली इंसान नहीं थे बल्कि अगर मैं सच कहूं तो मैंने देवता नहीं देखे लेकिन इंसान के और देवता के बीच की कोई चीज थी तो वो चौधरी चरण सिंह जी थे। उनके जैसा भारतीय राजनीति में कोई हुआ नहीं है। मुझे एक शायर का शेर याद आता है कि कोई लगा ना सका उसके कद का अंदाजा वो आसमां था मगर सर झुका के चलता था। वो बहुत बड़े आदमी थे आप तो अंदाज नहीं कर सकते कि कितने बड़े आदमी थे। मैंने अरे यार ओ भाई रुक जाओ यार एक बार मैं शाम को उनसे मिलने जरूर जाता था जब पार्टी का जनरल सेक्रेटरी था तो मैं मिलने गया। उन्होंने कहा नीचे बैठे रहते थे कालीन पे सामने डेस्क रहती थी उस पर लिखते रहते थे तो मुझे बैठ देखते ही बोले कि भाई सतपाल ये तुम्हारी माताजी बहुत कंजूस। तो मैं कहा क्या हुआ कहने लगे मेरा कुर्ता फट गया था और उसको काट के मेरा बनियान बना दिया और पहने हुए थे उसको कहाँ तो वो थे और कहाँ वैसे ऐसे प्रधानमंत्री बने हैं कि जो इस कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए ड्रेस बदल के जाते हैं। तो चौधरी साहब ने निजी आचरण में राजनीतिक सवालों पे सब पे एक नए आयाम कायम किए हैं। जब ये किसानों के काले कानून आए और चार महीने तक किसान दिल्ली में पड़े रहे किसी ने बात नहीं की तो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ और मुझे उस समय चौधरी चरण सिंह जी याद आए। वो कहा करते थे कि बेटा तुम्हारे वर्गों के सवाल अगर हो तो कुछ भी छोड़ देना उन पे कभी समझौता मत करना। मैं अपना इस्तीफा जेब में रख के प्रधानमंत्री से मिलने चला गया। ये क्या जानबूझ के बिठाए हुए हैं क्या? और मैंने जाके उनको कहा कि साहब ये इतने दिनों से बैठे हैं इनका कुछ करिए। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं
अच्छा अच्छा प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई बात नहीं, चले जाएंगे। मैंने कहा आप इनको जानते नहीं हैं, ये जो सिख भाई हैं इनके तो गुरु ने अपने चार बच्चे कटवा दिए थे, समझौता नहीं किया था। और ये जो हमारे वाले हैं ये तो छठे महीने लाल किले पे चढ़े रहते थे, ऐसे नहीं जाएंगे जब तक आप इनकी बात नहीं मानोगे। उस वक्त वो घमंड में थे तो उस वक्त उनकी समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में उन्होंने माफी मांग के वो काले कानून वापस लिए। अब बोलना है, मैं अब आपके बीच में ज्यादा समय नहीं आपका लेना चाहता हूं, सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों का धरना खत्म हुआ है, अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई। लड़ाई लंबी चलनी है और उस लड़ाई में कामयाबी हमारी तभी होगी जब हम एकजुट के इकट्ठा होकर रहेंगे। अभी जयंत जी आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि ये जो जोशर वलवला है, चौधरी चरण सिंह के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि जयंत जी का सहयोग करना है, इनकी मदद करिए, इनके कहने पे चलिए और इनकी बात मानिए। मैं इसी के साथ अपनी बात खत्म करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद।